वर्तमान में हम हमारे सौर मंडल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम ये जानते हैं कौन सा ग्रह कहाँ है, वो हमसे कितनी दूर है, वो सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाता है और उसका तापमान क्या है। हमने पिछले 50-60 सालों में सौरमंडल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना है और हाल ही में शनि ग्रह के नए 20 उपग्रहों को खोजा गया है। ये जानने समझने की प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन क्या आपको पता है आज से 4 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल कैसा दिखाई देता था? क्या आपको मालूम है कि 4 अरब साल पहले कौन सा ग्रह कैसे चक्कर लगाता था, उस ग्रह का वातावरण कैसा था, किस ग्रह पर जीवन की ज़्यादा संभावनाएं थी, और उससे भी ज़रूरी, क्या उस समय हमारी धरती रहने लायक थी, उस समय हमारी धरती कैसी दिखाई देती थी, वो सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आज से 4 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल अब के मुकाबले बहुत ज्यादा नया था। उसमें हमारा सौरमंडल ऐसे दिखाई नहीं देता था जैसे अब देता है। तब सौरमंडल के ज्यादातर ग्रह नए नए ही बने थे और किस ग्रह पर वातावरण कैसा था उसे हम अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य उस समय अब की साइज से कुछ छोटा था। उसकी चमक भी अब की चमक से लगभग 70% ही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सूर्य की साइज और चमक दोनों बढ़ती गए। पहला ग्रह है मरकरी। मरकरी यानी बुध ग्रह उस समय साइज में कुछ बड़ा था। सूर्य के ज्यादा नजदीक होने के कारण इसका तापमान 1000 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर ही रहता था। दिन भर इस पर एस्ट्रॉइड आकर गिरते रहते थे और इस पर लावा की नदियां बहती थी। दूसरा ग्रह है वीनस। वीनस यानी शुक्र ग्रह के हालात उसमें अब से ठीक थे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन उस समय वीनस इंसानों के रहने के लिए धरती से अच्छी जगह थी, क्योंकि 4 अरब साल पहले वीनस की सरफेस पर पानी की नदियां बहती थी और इसका तापमान भी जीवन पनपने के लिए बिल्कुल ठीक था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसके हालात बद से बदतर होते चले गए। अब वीनस के हालात कैसे हैं आप सबको पता है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी यानी हमारा ग्रह उसमें वीनस जैसी अच्छी हालात में नहीं था, लेकिन मरकरी जैसे बुरे हालात में भी नहीं था। पूरी धरती पर पानी फैला था लेकिन उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। ऐसी संभावना है कि उस समय धरती पर पहला जीव पनप चुका था। हालांकि वो कोई सिंगल सेलुलर जीव था लेकिन जीवन का विकास होना शुरू हो गया था। हमारा चांद उस समय नया नया ही बना था, इस कारण उसकी हालत भी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थी। अब जो आपको चांद में धब्बे दिखाई देते हैं वो सब उस समय ही बने थे। चौथा ग्रह है मार्स। मार्स यानी मंगल ग्रह भी उस समय रहने लायक हालात में था। तापमान ज्यादा होने के कारण उस पर भी पानी मौजूद था। पूरी सरफेस पर नदियां फैली हुई थी लेकिन जैसे जैसे तापमान कम होता गया वो पानी पोल्स पर जमने लगा और आज वो पानी पूरी तरह जम चुका है। पांचवा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर ग्रह के माहौल में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया है लेकिन इसकी साइज में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। पहले ये आकार में बहुत बड़ा था लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसका आकार छोटा होता चला गया। छठा ग्रह है शनि। शनि ग्रह में पिछले 4 अरब सालों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इसका तापमान धीरे धीरे कम हो गया है। पहले इसके पास रिंग भी नहीं थी लेकिन अब इसके पास रिंग है। उस समय साइज में ये अब के मुकाबले थोड़ा बड़ा था। इसके अपने एक्सेस पर घूमने की रफ्तार भी बहुत बदल चुकी है, क्योंकि उस समय यह अकेला घूमता था लेकिन अब इसके चारों तरफ एक रिंग भी है जो इसकी रफ्तार को काफी हद तक अफेक्ट करती है। शनि ग्रह की यह रिंग बहुत नई है और अभी भी इसका विकास हो रहा है। सातवां और आठवां ग्रह है यूरेनस और नेपच्यून। अब इन दोनों की हम एक साथ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ग्रहों में पिछले 4 अरब सालों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, ना साइज में और ना ही इनके वातावरण में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।